पर द्वादशी के दिन शास्त्र वर्णन करता है कि चलिए हमारा शास्त्र कहता है कि एकादशी के दिन चावल मत खा, पर द्वादशी के दिन शास्त्र वर्णन करता है कि पहला गासा जो मुंह में जाए वो चावल का जाना चाहिए, तब एकादशी का पुण्य मिलता है। तो शास्त्र क्यों कहता है? दो चीजों को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं? कहा था जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। कहने आपने दर्शन जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया, क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों ने कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं देव एकादशी, बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी, तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुण पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है, जीवात्मा को 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ, कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का एक ग्रास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी, चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है, उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ पर द्वादशी को। जैसे पीपल के पत्ते में पराग होता है, हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोग भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है, पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण, पीपल के पत्ते का इतना लेख। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता है ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है, और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है। उसके नीचे थाली रख देना चाहिए, और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, और उसका पराग जब झड़ जाए वो पानी को बाल्टी में धो लो, और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए, धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है, सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापस अपने रंग में आना चालू हो जाती है, कोई डॉक्टर को ही नहीं दिखाना पड़ता।